मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योतिष के कुछ ऐसे छोटे छोटे जो जानकारी है वह दूंगा, जैसे कि मंगल के शुभ होने पर या अशुभ होने पर क्या प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ते हैं, जीवन में क्या प्रभाव इसका मिलता है। शुभ मंगल होता है तो इसको आपको क्या लाभ मिलता है, अशुभ मंगल होता है तो इससे आपको क्या हानि होती है। इसके अलावा भी कुंडली के अंदर जो दूसरे अन्य प्रकार के कुछ योग होते हैं जो आपकी और हमारे सबकी कुंडली में लगभग होते ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे को कुंडली पूछने के लिए लोग आते हैं या व्हाट्सएप पर या फिर समझो कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर मेरे को कोई भी सवाल करते हैं तो ज़्यादातर सवाल ये सभी ही होते हैं। तो इन सब के सवालों को मैंने एक बार सेट किया और उन सवालों का जवाब मैंने एक ही वीडियो में देने के लिए सोचा और आज मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूं कि अशुभ ग्रहों के नग भी पहनने होते हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि उनको कुंडली के अनुसार नहीं करना चाहिए, और अगर वो करते हैं ऐसा काम किसी के कहने से या करने से तो समस्याएं समाप्त होने के बजाय समस्याएं उल्टा शुरू हो जाती है। और फिर जब मैं उनको उनकी सही स्थिति समझा देता हूं तो फिर से स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है। इसलिए आज मैं 15-20 बातें जो ज्योतिष की है उसके बारे में जानकारी दूंगा जिनकी कुंडली में मंगल शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है उनको क्या करना चाहिए, यह सब जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ताकि छोटी छोटी बातें आपको समझ आ जाए तो बहुत कुछ परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात सूचना या ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो पूरा आपने ध्यान से देखा और आपको यह पूरा सही ढंग से जैसा मैं समझाना चाहता हूँ आपने अगर उसी ढंग से समझ लिया इस वीडियो को तो फिर आप इसको एक बार लाइक कर देना, क्योंकि यह जो उपाय मैं बता रहा हूँ वह बहुत उपयोगी है। और लाइक करने के बाद में आप अपने परिवार के लोगों में या मित्र आदि में भी जो ऐसी प्रकार के मुसीबतों में प्राय घिरे रहते हैं उनको आप आगे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लेकर आगे अपना समस्याओं का समाधान खुद कर सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो वह तुरंत आपको सूचना नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा फ़ोन नंबर और बातचीत करने का टाइम टेबल भी आपको दे रहा हूँ। आप आराम से उस नंबर को नोट करना और जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ उस टाइम टेबल पर ही आप मेरे से संपर्क करना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और शुरुआत में देखते हैं कि हर कुंडली में यानी कि जितनी कुंडलियां बनती है प्राय प्राय अगर एक ही समय की एक ही संवत की या एक ही दिन की नहीं हो तो उसके अलावा जितनी कुंडलियां होती है सब में अलग अलग ग्रहों की स्थितियां होती है। इसलिए जरूरी नहीं होता है कि एक ही राशि के जो सभी लोग होते हैं उनके लिए एक ही उपाय काम कर जाता है, तो यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुंडलियां एक ही राशि वालों की सबकी अलग अलग होती है तो सबको अलग अलग कुंडली के हिसाब से उपाय करना चाहिए। वैसे कुछ कुछ काम जो कि सभी एक जैसी राशि वालों के लिए होते हैं जो जनरल होते हैं एक राशि वालों के लिए कॉमन होते हैं उनको करने से जरूर लाभ मिल जाता है, लेकिन किसी खास समस्या का समाधान करना हो तो फिर कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार करना ठीक रहता है। तुला राशि की मान लो कुंडली है तो कुंडली में एक कुंडली में गुरु उच्च का है तो जरूरी नहीं कि कुछ वर्षों के बाद में जब किसी का जन्म होगा और उस समय वह गुरु उच्च का ही हो सकता है दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें साल में गुरु नीच का होता है तब भी तुला राशि आती है, तो तुला राशि में एक आदमी के तो गुरु उच्च का है दूसरे के गुरु नीच का है। तो किसी भी राशि वालों की कुंडली में एक के ग्रह उच्च के हो सकते हैं तो दूसरे उसी राशि वालों के जो ग्रह है वह नीच का भी हो सकता है, क्योंकि सभी ग्रह 12 राशियों में गोचर या भ्रमण करते हैं और इसी भ्रमण के दौरान सभी ग्रह अपनी उच्च की और नीच की राशि में से होकर भी गुजरते हैं
तो अलग अलग समय में जन्मे जातकों की कुंडली में सभी ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती है, जबकि राशि एक ही हो सकती है। आज मैं आपको कुछ ज्योतिषीय और कुछ अलग अलग पूजा जाप आदि के बारे में जानकारी दूंगा, या यह जानकारी दूंगा कि आप सभी के लिए जो मैं जानकारी दे रहा हूं यह बहुत उपयोगी है, और अगर इसको आपने कर लिया समझकर तो ऐसा समझना कि आपको अपनी समस्या से समाधान निश्चित तौर से मिल जाएगा। पहली बात है, पहला ये उपाय मैं जो बता रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है तो कभी भी उच्च के जो ग्रह होते हैं उसका दान नहीं करना चाहिए, और जो नीच का ग्रह होता है तो कभी उस नीच के ग्रह की पूजा खुद को अपने आप से नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी विद्वान पंडित जो ज्योतिषी हो आदि हो, या कोई धर्मगुरु हो आदि जो ज्योतिष का भी जानकार हो, उनके आचार्य या उनके उनसे करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा है, दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान भी अगर कुंडली में ग्रहों के अनुसार दिया जाए तो शुभ फल मिलता है। कुंडली में गुरु दशम भाव में हो या फिर चौथे भाव में गुरु हो तो मंदिर निर्माण के लिए कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए, या मंदिर निर्माण में धन नहीं लगाना चाहिए, धन देना नहीं चाहिए। अगर गुरु चौथे या दसवें स्थान में हो और आपने मंदिर में निर्माण के काम में दान दिया तो इसका अशुभ फल आपको जीवन में जरूर मिलेगा, और जातक को कभी भी फांसी तक भी यह पहुंचा सकता है। तीसरा है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सभी चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन प्रेममय हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव में गुरु हो तो कभी भी पीले रंग के वस्त्र का दान किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हैं तो आपकी कुंडली में अगर सप्तम स्थान में गुरु हो तो पीले रंग के वस्त्र का दान कभी नहीं करना चाहिए। चौथा है, साधु संतों की सेवा करना और उनके साथ बैठकर सत्संग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारहवें भाव में अगर चंद्रमा हो आपके बैठा है, बारहवें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो साधुओं का संग करना बहुत अशुभ होता है। इससे परिवार की वृद्धि रुक जाती है या रुक सकती है। तो आपकी कुंडली में आप देखें कि जन्म के समय में लग्न स्थान से जो बारहवां घर होता है, खर्च भाव होता है, वहां पर अगर चंद्रमा बैठा है और आपने साधु संतों का संग किया या साथ लिया, मतलब ऐसे मिलना जुलना एक अलग बात है, एक ज़्यादा ही उनके साथ में इन्वॉल्व होना या उनके सहयोगात्मक रूप में साथ में रहना, यह अशुभ होता है। पांचवा है, कई कई बार हम किसी के कहने से तांबे के लोटे में शक्कर भरकर या कुछ और वस्तु भरकर दान कर बैठते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में, आठवें स्थान में या सप्तम या अष्टम स्थान में सूर्य हो, यानी आपके जन्म कुंडली में सातवें या आठवें घर में सूर्य बैठा हो और आपने अगर तांबे का दान कर दिया तो इसका अशुभ फल आपको जीवन में जरूर मिलता है। इसलिए अगर कुंडली में सातवें या आठवें स्थान में सूर्य बैठा हो तो कभी भी तांबे का दान नहीं देना चाहिए, इससे धन हानि होना शुरू हो जाती है। छठा है, किसी भी किताब में देखकर इस मंत्र का जाप करने से यह लाभ होता है, तो केवल पढ़कर ही अपने आप मंत्र नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे पास ज्योतिष की, धार्मिक, अन्य प्रकार की किताबें पड़ी रहती है, और थोड़ा सा मैं इधर उधर होता हूँ या मेरा थोड़ा ध्यान चूकता है तो हर कोई आदमी किताब उठाकर उसमें से ये तंत्र मंत्र यंत्र वाली किताबें हैं मेरे पास में बहुत सारी, तो वो देख लेते हैं कि धन, ये मंत्र करने से धन मिलता है, तो वो चुपचाप उस मंत्र को नोट कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं मोबाइल में और करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी जो है किताबों में देखकर मंत्र नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उस मंत्र का कोई शुभ फल निश्चित तौर से नहीं मिलने वाला, क्योंकि वह मंत्र बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के चोरी करके लिया हुआ है, और चोरी का कभी भी कोई भी सामान हो, चाहे पैसा हो या वस्त्र हो या अन्य प्रकार का कोई चीज वस्तु हो या मंत्र हो,
वह अशुभ फल ही देता है, चोरी चोरी होती है, इसे हानि हो जाती है। इसलिए कोई भी मंत्र जो उस मंत्र को जानता हो, सिद्ध किया हुआ हो, ऐसे गुरु से ही मंत्र गुरु मंत्र के रूप में धारण करना चाहिए। सातवां है, मंत्र शिक्षा और मंत्र दीक्षा लेने के बाद जो सबसे जरूरी कर्म है वो है कि एक संख्या मंत्र जब आपको कोई गुरु देता है तो कि आपको ये रोजाना करना है, तो आप अपने रोजाना के नियम में एक इस प्रकार का संख्या निश्चित कर लें कि मैं रोजाना 5 माला इस मंत्र की, गुरु मंत्र की करूंगा, या जितना आपके समय है आपके पास में, अगर 10 माला का है तो आप 10 माला का भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से वह मंत्र आपको भी सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आपने आज 2 माला की, कल आपके पास टाइम मिला 5 कर दी, परसों आप पूरे दिन छुट्टी पर रहे तो आपने एक साथ 21 माला कर दी, तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थित संख्या होती है उसका फल नहीं मिलता है। आपके पास समय हो या ना हो, आपने जो संख्या निश्चित की है उसके हिसाब से अगर आप रोजाना मंत्र करके उसको, मंत्र को सिद्ध करेंगे, पूरा करेंगे, तो उसका फल आपको मिलेगा। आठवां है, मंत्र एक आसन पर बैठकर एक ही समय में सम संख्या में करना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि मंत्र ऐसा नहीं कि खड़े खड़े कर रहे हैं, कभी खड़े होकर कर रहे हैं, कभी बैठ कर रहे हैं, या जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ कर रहे हैं, घर में जगह मिल गई तो घर में बैठ कर वो 5 माला कर ली, फिर देखेगा तो मंदिर जाना लेट हो रहा है, मंदिर चले गए, फिर वहां पर बैठ कर 5 माला कर ली, या फिर आज ये मतलब सूत का आसन लिया, कल और किसी चीज का आसन लिया, तो इस प्रकार का आसन नहीं। आप एक अपना आसन निश्चित कर ले, एक प्रकार की माला आप निश्चित कर ले, और एक प्रकार से जो आपका स्थान है वह भी निश्चित करके फिर उस मंत्र का जाप आप करेंगे तो आपको इसका सुफल मिलेगा। मंत्र नौवा है, मंत्र जाप पूर्ण होने पर उसका दशांश हवन अवश्य करना चाहिए, तभी वह मंत्र जो आपने किया है उसका पूरा फल मिलता है। जैसे कि आपने कोई मंत्र 1.25 लाख की संख्या में जाप किए, तो 1.25 लाख का जो 12,500 दशांश होता है वह जाप एक्स्ट्रा करना चाहिए, और इसके बाद में दशांश के जो हवन है उसका भी हवन करना चाहिए, ताकि जो आपने मंत्र किया है वह सिद्ध पूर्ण रूप से हो जाए। क्योंकि किसी भी सिद्धि के लिए हवन का होना उसमें आवश्यक होता है, इसलिए हवन जरूर करना चाहिए। दसवां है, कुछ लोग वार के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, यह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उनके वस्त्र पहनना शुभ होता है, लेकिन जो ग्रह अशुभ है, उन जो ग्रह अशुभ है उनके जो रंग होते हैं उनके रंग के अनुसार वस्त्र पहनना गलत होता है। इसलिए जैसे कि मान लो मेरी कुंडली में गुरु अष्टम स्थान का स्वामी है और वहाँ बैठा है, या किसी अशुभ स्थान में किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, और मैं अगर पीले रंग के कपड़े पहनूंगा तो वह मेरे लिए शुभ नहीं रहने वाला है। इस प्रकार से जैसे मैं गुरुवार को पीले कपड़े पहन लूंगा, क्या गुरुवार का दिन है, पीले रंग का दिन है, तो मैं पीले कपड़े पहन लूँ, लेकिन मेरा तो गुरु पहले से ही अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान का स्वामी भी है, तो मेरे को भी पीला रंग जो है वह सूट नहीं करेगा। इसलिए हर किसी को हर किसी दिन के वार के हिसाब से वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जो कुंडली में शुभ ग्रह है या अच्छे फल दे रहे हैं उनके वस्त्र उस दिन जरूर पहने आप। 11वां है, कई बार किसी से सलाह लिए बिना कुछ लोग मोती पहन लेते हैं, यह गलत है। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो मोती पहनने से व्यक्ति और ज़्यादा गहरे शून्य में आ जाता है, या अवसाद में या दुख में गिर जाता है। इसलिए बिना पूछे बिना सोचे समझे कभी भी कोई भी नग नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि मोती का भी मैंने आपको उदाहरण दिया, किसी किसी को गुस्सा आता है तो हर कोई चलता ही अपनी सलाह दे बैठता है कि गुस्सा आता है तो मन को शांत करने के लिए आप तो साहब मोती पहन लो। अब मोती अगर चंद्रमा आपके 12वें खर्च स्थान का स्वामी है, अष्टम स्थान का या 6ठे स्थान का, 4थे स्थान का स्वामी है, आपने उसका पहन लिया तो उसका शुभ फल तो मिलेगा नहीं, उल्टा आप और ज़्यादा दुखों में गिर जाएंगे, मन अशांत ज़्यादा हो जाएगा और किसी से झगड़ा ठंडा भी हो सकता है, या मन में बुरे बुरे ख्याल भी आपको आ सकते हैं। इसलिए मोती भी पहनना है तो किसी विद्वान ज्योतिषी को पूछकर कुंडली बताकर पहनना चाहिए। 12वां है कि अक्सर देखा गया है
कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिषी बिना कुंडली देखे पुखराज पहनने की सलाह दे देते हैं, इसका उल्टा प्रभाव होता है और शादी ही नहीं होती है। पुरुष की कुंडली में स्त्री का सुख पाने के लिए या वैवाहिक सुख पाने के लिए शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी होता है, और महिला की कुंडली में पुरुष का सुख पाने के लिए और दाम्पत्य जीवन का सुख पाने के लिए गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए और अगर कुंडली में पुखराज किसी ने पहना दिया और पुखराज आपका गुरु जो है अष्टम स्थान का स्वामी है, छठे स्थान का या बारहवें स्थान का स्वामी है, या किसी और ग्रह के अशुभ युति में बैठा है, नीच का है, और आपने पहन लिया तो उसका उल्टा प्रभाव तो होना ही है। क्यों कि आपने ऐसा काम किया तो जैसा काम करते हैं वैसा ही फल मिलता है हमें। तो इस प्रकार से अगर शादी नहीं हो रही है तो आप अपने कुंडली शांति से पूरी एक बार किसी को दिखवाएं। आप मेरे को किसी के पास, मैं एक सवाल का जवाब फ्री में दिया करता हूँ, ये मैं यूट्यूब पर हमेशा कहता ही हूँ। तो यूट्यूब पर सिर्फ लोग मेरे को इतना ही पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। अब कब होगी यह सब देखने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ये इतने सी बात से जवाब नहीं दिया जा सकता। हालांकि वो कोई मैं दशा महादशा या उसके हिसाब से थोड़ा भले ही जवाब दे दूँ, लेकिन अगर आप व्यवस्थित रूप से चाहते हैं शादी करना तो आप अपनी पूरी कुंडली किसी को दिखवा दें, चाहे मेरे को दिखवाएं, लेकिन वो जो नियम और शर्तें होती है उसको भी फुलफिल आपको करना पड़ता है। तो ऐसा करने के बाद अगर आप कोई सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसका उपाय भी आप करेंगे तो शादी जल्दी हो जाती है और वैवाहिक जीवन जो है आपका दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा रहता है। भैया 13वां है, कुंडली में अगर गुरु नीच का है और अशुभ फल दे रहा है और अशुभ स्थान में है तो आपको ये बात निश्चित मान के चलना कि पुखराज कभी भी जीवन में धारण नहीं करना है। अगर पुखराज आपने बिना सोचे समझे करिए, पुखराज क्या होता है कि बहुत जीवन को सुखी बना देता है, विद्वान बना देता है आदमी को, लेकिन जब अगर वही गलत हो तो आदमी की सारी विद्वता, सारी जो सुख समृद्धि होती है वह समाप्त हो जाती है। पुखराज जैसा ग्रह बिना सोचे समझे किसी की भी सलाह पर नहीं पहनना चाहिए। जब तक आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर उसके आदेश के अनुसार या उनके जो है ज्योतिष की सलाह के अनुसार पहनेंगे तो आपको उसका लाभ पूरा मिलेगा। 14वां है, कई लोग अपने घर में मनी प्लांट आदि लगा लेते हैं यह सुनकर कि इससे घर में धन वृद्धि होती है, लेकिन हकीकत तो यह होता है कि अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है और अगर आपने घर में मनी प्लांट लगा दिया तो घर की बहन बेटियां दुखी रहती है और घर के अंदर प्राय कलेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी मनी प्लांट लगाने से पहले यह आप निश्चित कर ले या करवा ले कुंडली देकर कि कहीं आपकी कुंडली में बुध जो है वह खराब स्थिति का, नीच का या अस्त आदि तो नहीं है। 15वां है कि कैक्टस का एक पौधा होता है कांटे वाला, उसको घर में लगाने से शनि प्रबल हो जाता है। इसलिए जिनकी कुंडली में शनि खराब है या शनि अस्त है तो उन्हें इस प्रकार के पौधे कभी भी नहीं लगाने चाहिए। वैसे भी कैक्टस का जैसा कांटेदार पौधा होता है उसको कोई भी अगर घर में अपने ना लगाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है, कैक्टस के भी कई अलग प्रकार के पौधे होते हैं, शनि का अलग प्रभाव का पौधा अलग होता है। तो इस प्रकार से बिना जानकारी लिए कभी भी कैक्टस का या किसी भी प्रकार का कंटीला डिजाइनदार जो होता है ना अच्छे दिखने वाला, और फैशन के लिए हम लगा लेते हैं, इस प्रकार से नहीं लगाना चाहिए। यह था आज इसमें 15 ज्योतिष की जो सलाह है वह दी। अब मैं आपको जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको मंगल के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि जितने भी लोग सवाल करते हैं मेरे से मिलने आते हैं उन सबको मंगल का इतना भय लगा रहता है, इतना डर लगा रहता है कि मेरी कुंडली में कहीं मंगल खराब है इसलिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे घर में वैवाहिक जो है वह जीवन असंतुष्टि से भरा रहता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरे को खून में कमी हो जाती है, मेरा खून ज़्यादा गिर जाता है। मतलब कि मंगल को लेकर न जाने लोग कहाँ कहाँ से कितने प्रकार के कचरा जो है दिमाग में, जो बिल्कुल सही बातें नहीं होती है वह लेकर मेरे पास में आ जाते हैं कि फलाने ने ये कहा, उस बिगड़े ने ये कहा। ये सब जो चीज़ें होती है वो शास्त्र सम्मत नहीं होती है। शास्त्र सम्मत जब बातें हम करना शुरू करते हैं तो
तो कोई भी ग्रह से डरना नहीं चाहिए। उनका जो उपाय होता है वह कर लेने मात्र से वह जो ग्रह अशुभ फल देता है वह शुभ फल देना शुरू कर देता है, कम से कम अशुभ फल देना तो बंद कर ही देता है। इसलिए मंगल का एक भय ऐसा है जिसका शनि की तरह मंगल, शनि एक और दूसरा मंगल, इनके बारे में लोग ज्यादा भयभीत होते हैं, लोग ज्यादा भयभीत कर डालते हैं और इनके भय के कारण हम कभी कभी बहुत ज्यादा गलत काम अपना लेते हैं या कर लेते हैं, इसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है। इसलिए अब मेरा यह मंगल से संबंधित जो भाग है, इस वीडियो का दूसरा भाग है, आप जरूर पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको मंगल के स्वभाव के बारे में और उसके गुण अवगुण के बारे में पता चल जाए। और आपकी कुंडली में मंगल अगर शुभ है तो आप क्या करें, अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है तो आप क्या करें, यह सब बातें मैं आपको अब मंगल के विषय में बताने वाला हूं। क्योंकि ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि मंगल अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो जीवन में हर और मंगल ही मंगल होता है। लेकिन मंगल अगर आपकी कुंडली में कमजोर या अशुभ मंगल जिंदगी में कुंडली में हो तो जिंदगी में अमंगल का विष जो है वह घोल देता है। अशुभ मंगल को शुभ, अशुभ मंगल को शुभ और अमंगल करने वाले मंगल को मंगलकारी बनाने के लिए मैं कुछ उपाय और ऐसा बताने वाला हूं आपको। और मंगल से संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी मैं आपको उसका निवारण बताने वाला हूं, आप जरूर देखें। तो सबसे पहले मंगल के अंदर क्या विशेषताएं होती है यह मैं आपको बताता हूं कि मंगल किस प्रकार का विशेषता वाला ग्रह है। यह जो मंगल है, मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी मंगल माना जाता है। शक्ति, व्यक्ति के अंदर जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है और जो कॉन्फिडेंस होता है और जो वह काम करता है अपने हिम्मत से करता है, अपने जुनून से करता है, जोश से करता है, उत्साह से करता है, वह जो पराक्रम करता है वह सब मंगल होता है व्यक्ति के अंदर। इसका जो मुख्य तत्व अग्नि है, इसका मंगल का तत्व जो अग्नि है और इसका जो मुख्य या इसका जो रंग माना जाता है वह लाल रंग होता है। इसका जो धातु है वह तांबा होता है और अनाज में अगर इसका देखें तो जव होता है, जव, तो वह अनाज मंगल का माना जाता है। मेष और वृश्चिक राशि का ये स्वामी होता है। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कर्क राशि में मंगल सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इसके कारण यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च का फल देते हैं और कर्क राशि में मंगल नीच का फल देते हैं। अब मैं आपको खराब मंगल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर है, हिंसक है या हिंसक स्वभाव का है, जैसे आतंकवादी होते हैं, कई घरों में आपने देखा मार कुटाई चलती है, आदमी औरतों को मारते हैं या औरतें जो है कभी कभी आदमी को भी धुलाई करती है, तो ये जो इस प्रकार के हिंसक जो हाथ उठाने वाले, मारपीट करने वाले, भय पैदा करने वाले जो क्रूर इंसान होते हैं, वह ऐसा समझना कि उनकी कुंडली में मंगल है जो अशुभ है। आत्मविश्वास और साहस का जो स्तर है वह भी व्यक्ति के अंदर अगर कमजोर हो, कोई काम करने से पहले वह सोचे कि अरे मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, यानी कि आदमी जब काम ही नहीं करता है उसके पहले ही वह साहस या हिम्मत हार बैठता है, तो इसका मतलब यह होता है कि मंगल कुंडली के अंदर कमजोर है। अगर आपके पास में संपत्ति, जमीन के मामलों में मुश्किलों का सामना जीवन में करना पड़ रहा है, आपके पास संपत्ति बहुत है, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, आपके पास आपकी संपत्ति है, आपने किराएदार रखा लेकिन वह किराएदार मालिक बन के बैठ गया, आपके हिस्से में सिर्फ कचड़ी में तारीखें, तारीखों पर तारीख, तारीखों पर तारीख भोगना ही लिखा है, इसका मतलब यह होता है कि मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है। अगर आपके संपत्ति नहीं बिक रही है, आपको अपनी संपत्ति का अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है, आप अपनी संपत्ति का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है। इसलिए आपको अपनी ही खुद की संपत्ति के बारे में बहुत सारे तकलीफें, समस्याएं उठानी पड़ रही है।
आपको वसीयत मिलनी थी नहीं मिल रही, वसीयत में हिस्सा मिलना था वो भी नहीं मिल रहा, संपत्ति में बंटवारा हुआ आपका जो हिस्सा था वो कागजों में तो बंट गया लेकिन जो आपके दूसरे भागीदार हैं उसमें वसीयत के अंदर हिस्सेदार हैं उन्होंने आपका हिस्सा दबा लिया, आपको वह नहीं दे रहे हैं ना तो उसका हर्जा खर्चा खर्चा जो है या उसका जो कीमत है वह नहीं दे रहे, वो दबा के बैठे हैं कि हाँ देंगे जून में देंगे दिसंबर में देंगे फरवरी में देंगे, ऐसे आगे से आगे करते हैं और मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो संपत्ति का उपयोग आप नहीं कर सकते और वो लोग करते रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है। इंसान को अगर व्यक्ति के अंदर अगर खून से संबंधित कोई समस्या होती है, ब्लड प्रेशर है या खून गिरना है या खून की कमी होना, ये सारी चीजें जो है वह मंगल से संबंधित होती है। एक चीज बहुत खास मैं आपको अब बता रहा हूं, जिन व्यक्तियों के सर पर हजारों लाखों रुपये का कर्जा हो जाता है, कर्जा चूकता नहीं है और मुकदमेबाजी जेल जाने की नौबत या रिश्ते तोड़ने की नौबत या आत्महत्या करने की नौबत तक जो आदमी कर्जों के कारण परेशान होकर पहुंचता है, इसका मतलब यह होता है कि निश्चित रूप से उनकी ऐसी कुंडली में मंगल जो है वह अशुभ स्थिति का है, कमजोर स्थिति का है, इसलिए उनको कर्ज मुक्ति से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो आप अगर कर्ज से परेशान है, संपत्ति से लाभ नहीं मिल रहा है तो आप एक बार कुंडली जरूर बताएं। इसके अलावा मंगल अशुभ हो कुंडली में तो कभी कभी जेल जाने के भी योग बन जाते हैं, और चाहे भले एक ही दिन के लिए जाना पड़े, पुलिस वाले उठा के थाने में बंद कर दिया तो हो गया, मंगल का जो असर होता है वो एक दिन में भी हो जाता है पूर्ण। तो अगर कैसी कभी ऐसी आपको लगता है कि नौबत आ सकती है या आने वाली है या आ चुकी है, तो आप यही समझना कि आपकी कुंडली के अंदर जो मंगल है वह कमजोर है। इसके अलावा अगर विवाह के जो सातवां स्थान होता है या विवाह से संबंधित वैवाहिक जीवन से संबंधित अगर आपके परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही है, पति पत्नी के जो विचार है वह मेल नहीं खा रहे हैं, इसके अलावा आपस में छोटी छोटी बात में एक बोले तो दूसरे को गुस्सा आ जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, दूसरा अगर शांत भी रहता है तभी वो शांति भी जिसका मंगल खराब होता है उसको चुभती है और शांत रहने के बावजूद भी झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार के अगर पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हो, बार बार एक दूसरे से अलग होने की नौबत आ जाती है, या जो महिलाएं अपने पति से अलग रहती है या जो पति अपनी पत्नियों से अलग रह रहे हैं, वो ऐसा मानना चाहिए कि उनका कुंडली में मंगल खराब है। अगर आपको पति पत्नी के बीच में वापस अच्छा प्रेम संबंध चाहिए, सुखी दाम्पत्य जीवन चाहिए, तो एक बार दोनों की कुंडली व्यवस्थित रूप से पूरी विश्लेषण करवा के दिखाएं और उनके अनुसार अगर आप उपाय करेंगे तो जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वह कितना भी दूरी लिए क्यों ना हो, उपाय सही ढंग से होने पर वापस आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह सही हो सकता है। कुंडली का मंगल जीवन के सुख संपत्ति विवाद और मुकदमेबाजी जैसे पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है, यानी कि जीवन के हर मोड़ पर खराब या अशुभ मंगल का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है और इंसान की जिंदगी को बहुत ज्यादा मंगल का शुभ अशुभ जो है प्रभाव वह प्रभावित करता है। आखिर अशुभ मंगल को शुभ कैसे बनाया जाए और अमंगल करने वाले मंगल को मंगलकारी बनाने के लिए क्या किया जाए, तो यह मैं आपको अब बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो आप अपनी कुंडली किसी को बताकर यह उपाय अगर वो कहे तो आप कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वजा ले, इस पर लाल स्याही से या लाल रंग से लाल कुमकुम से राम श्री राम लिखें और मंगलवार को ही ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में वह ध्वजा चढ़ाकर आ जाएं। आपकी संपत्ति प्राप्ति की जो समस्या है वह इससे दूर हो जाएगी। अगर मंगल दोष के कारण शादी में आपके बाधा आ रही है या दाम्पत्य सुख में आपके कहीं बाधा आ रही है, पति पत्नी में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं या पति पत्नी झगड़कर अभी अलग अलग रह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। यह आप अपनी कुंडली किसी को बताने के बाद में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर मंगलवार का उपवास रखें, इस दिन नमक ना खाएं, शाम को समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके
अलावा सुंदरकांड का पाठ करें, मुकदमेबाजी या विवाद में आपके जीत करना है तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सात्विक आहार ग्रहण करें और भूमि पर शयन करें। ये प्रयोग 27 दिनों तक आप करें तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देता है और कब शुभ फल देता है। मंगल अगर अशुभ होता है तो उसमें कैसा योग होता है, यह मैं आपको बताता हूं कि मंगल अशुभ होने से अंगारक योग बनता है। कुंडली में अगर मंगल राहु एक साथ हो तो अंगारक योग बन जाता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त संबंधी समस्या पैदा करता है। इस योग में होने पर पारिवारिक संबंध भी भाई बहनों से, माता पिता से काफी खराब रहते हैं। अगर ये योग कुंडली में हो तो मंगलवार का उपवास आप रखें। हर मंगलवार को कार्तिकेय जी की उपासना आप करें। जातक की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें या बारहवें स्थान पर हो तो ये मंगल दोष होता है। ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। मंगल दोष को अनदेखा न किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए विवाह से पहले लड़के और लड़की की कुंडली का मिलान करते समय मंगल का मिलान करना बेहद जरूरी होता है। और मंगल का दोष किस प्रकार से दूर होता है या किस प्रकार से देखा जाता है, या मैं आपको बता देता हूँ कि मंगल के दोष क्या होते हैं या उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कुंडली में मंगल लगन चौथे लगन में, चौथे स्थान में, सप्तम स्थान में, आठवें स्थान में या बारहवें स्थान में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। इसके मांगलिक होने से रिश्ते जो होते हैं वह काफ़ी संवेदनशील बन जाते हैं। और कुंडली का मिलान अगर न करके शादी की जाए तो फिर ऐसा समझना कि पति पत्नी के जो स्वभाव है या उसका रिश्ता है वो ज़्यादा समय, लंबे समय तक नहीं टिकता है। और कोई एक आध अपवाद स्वरूप ही अगर ऐसा रिश्ता टिकता है तो एक वह अलग बात होती है। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो विवाह और रिश्ते बनाने में परेशानी आती है। दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, बड़ी उसमें समस्याएं आती है। और मंगल दोष अगर समस्या दे रहा है तो हनुमान जी को नियमित रूप से आप सिंदूर का चौड़ा चढ़ाएं। ज्योतिष के जो उपाय होते हैं वह बगिया में खुशहाली करने से, ज्योतिष के जो उपाय होते हैं वह आप करेंगे तो आपके जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें आपके बहुत बढ़ोतरी होती है। उसका आपका जो है पूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। मंगल का प्रभाव जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर पड़ता है, लेकिन हर इंसान की कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ नहीं होती है। इसलिए आज हम आपको यह मैं बताने वाला हूँ कि मंगल जो है वह छोटे छोटे उपाय करने से भी आपका सुधर सकता है, शुभ फल दे सकता है, अनुकूल फल दे सकता है आपको। तो मैं आपको क्या करना है अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो यह बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। और अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है या अशुभ फल दे रहा है तो आप मेरा यह बताया हुआ उपाय करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको मंगल के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आक्रामक मंगल कमजोर हो तो लाल मूंगा धारण करना चाहिए। रक्षात्मक मंगल अगर कमजोर हो तो सफ़ेद मूंगा पहनना चाहिए। और रक्षात्मक आक्रामक दोनों मंगल की मजबूती के लिए नारंगी रंग का मूंगा पहन लेना चाहिए। तांबे के गिलास से पानी पिए और लाल रंग का जो मोड़ी होती है या कड़ावा होता है वह रक्षा सूत्र आप हमेशा हाथ में धारण करके रखें। बड़ों के पैर दोनों हथेलियों से छुएं तो भी मंगल मजबूत होता है। सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब भी मंगल बलवान होता है। हनुमान जी की उपासना करने से मंगल बलवान होता है। उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाने से मंगल बलवान होता है। अगर आपको अपने जीवन में मंगल का सुख नहीं मिल रहा है, अशुभ फल मिल रहा है तो यह उपाय जो है वह करें, नहीं तो एक बार आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवा लें, उसके बाद में जो उपाय बताऊं फिर आप वह करें तो उससे मंगल का जो है शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह था आज के वीडियो में कुछ ज्योतिषीय जानकारियां और मंगल से संबंधित शुभ अशुभ की जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगले वीडियो में मैं आपको और किसी ज्योतिषी जानकारी के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।